ए लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में, आके घुस जा हमारी गांड में। मैं गजेंद्र सिंह पोटली वाला, अबे हटना ओसड़ी वाले, मैं आपका स्वागत करता हूँ क्राइम अलर्ट के एक न्यू एपिसोड में। कौन था वो शख्स और क्या कर रहा था जंगल में? क्या वो हगने आया था? नहीं नहीं नहीं, वो हगने नहीं आया था, क्योंकि उस पर लोटा नहीं था। तो मैं आपको बताऊंगा पूरी कहानी अपनी मुझबानी, आपको भीड़ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ आप तो मुझबानी सुना दे, हम तो चूते हैं जो भीड़ देख रहा है, तो चल हट। तो चलिए देखते हैं छपरी क्राइम अलर्ट। भाई साहब यहाँ कोई मर्डर हुआ क्या? क्या भाई साहब यहाँ कोई मर्डर हुआ क्या? अरे क्या है नीचे, खुद देख लो नीचे। यही तो हुआ है मर्डर। शर्मा जी समझ रहे हो क्या सर? ये मर चुका है। ये तो सबको पता है, इसे भी पता है, इसे भी पता है, ये मर गया इसे भी पता है। हाँ हाँ, लेकिन चोर चाहे कितने ही शातिर क्यों ना हो, वो सुराग जरूर छोड़ता है। एक सुराग तो योरिया। अरे मेरा मतलब है क्लू, सबूत, हिंट। शर्मा जी टोटा 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 पियोगे तुम नीचे से उठा गया? इतने बड़े आदमी होकर तुम टोटा पी रहे हो? मुझसे ले लो, पैसे ना हो तो तुम्हारे पास। शर्मा जी टोटा नहीं, ये सबूत है। सबूत? कैसा सबूत? लगता है चोर ने यहाँ पर पाकर पहले दो दम मारे, फिर बाद में इसकी गांड मारी। शर्मा जी इस टोटे को फोरेंसिक लैब दिखाया जाए। अरे शर्मा जी ये सबूत था। सबूत? सबूत तो खत्म हो गया। अरे शर्मा जी यही तो हमारा आखिरी सबूत था, अब हम कातिल को कैसे पकड़ेंगे? ये जो गंजा है ना, मुझे इस पे शक लग रहा है। तुम्हें कैसे पता? मैंने एक बार सावधानी ले देखा, ऐसी ही सेम टू सेम मौत थी, और ये साइड में खड़ा था ना, ये खून था। हाँ मैंने भी क्राइम अलर्ट में देखा था। तुम एक काम करो, इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यस सर। और इन दोनों को मेरे साथ भेजो थाने में। सुनो, लाश की जो दो किडनी निकलेगी ना, उन किडनी को बेच कर आईफोन 14 लेना नया। ओके सर। मेरी भाभी ने मांगा। सर सर प्लीज सर 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 छोड़ दो सर, सर मैंने कुछ नहीं करा सर, सर सर प्लीज सर छोड़ दो सर। भूत हो गया, अब तो तू फंस गया। कट गई। सर तुमने तो अपनी गिट्टी काट ली सर। यहाँ पर किसी का मर्डर हुआ है, औरती बिट्टी की पड़ी है। बताना चाहिए था ना शर्मा जी की लाल वाली बिट्टी हमारी है। हम आ गए, अपने नुकसान कर लिए। ये खून मैंने नहीं किया सर। क्या? ये खून मैंने नहीं किया सर, मैं निर्दोष हूँ सर। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। शर्मा जी अपने वाला तरीका आजमाया जाए। तो स्वागत है आपका केबीसी में। ABC? अबे कौन बनेगा क्रिमिनल? तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। आप जंगल में क्या करने गए थे? ऑप्शन ए आप बकरी चुगाने गए थे, ऑप्शन बी आप सुअर चुगाने गए थे, ऑप्शन सी आप भागने गए थे। खैर आपकी सही तो नहीं है, इसका मतलब आप भागने नहीं गए थे। ऑप्शन डी आपने ही खून किया है। क्या सर मैं एक ऑप्शन अपने पास रख सकता हूँ? हाँ रख लो। सर मैं हिलाने गया था, हिलाने। क्या ये ऑप्शन लॉक किया जाए? यस सर। कंप्यूटर जी ऑप्शन ही जिसमें हिलाने गए हैं लॉक किया जाए। शाबाश, आप जीत चुके हो। सर मैं क्या जीता हूँ? अरे बहुत ही नेक विचार है आपके। सर मैं जीता क्या हूँ? क्या फोरम है? यस सर। अरे यही तो हमारे युद्ध की पहचान है। सर मैं जीता क्या हूँ? लेकिन मुझे आपकी बैग में मजा नहीं आ रहा। इन्हें इनाम में बैग दी जाए। यस सर।
सर मुझे लगता है कुछ छुपा रहा है। नहीं सर मैं कुछ नहीं छुपा रहा। बता भाई क्या छुपा रहा है। सर मैं कुछ नहीं छुपा रहा सर। बेटी जो साले चटनी छुपाए बैठा है यहाँ पकौड़ी ठंडी हो रही है। सर पकौड़ी ठंडी हो गई पकौड़ी खा लो। सर ये खून मैंने नहीं किया सर। क्या कहा? ये खून मैंने नहीं किया सर। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। शर्मा जी उसका इंतजाम किया जाए। सर पहले पकौड़ी खा लो। सर बिस्कुट मंगा लो। बेटी जो साले यहाँ खून हुआ पड़ा है तो ये पकौड़ी की सोच रही है। शर्मा जी इनके लिए भी इंतजाम किया जाए। तो स्वागत है आपका। कौन बनेगा क्रिमिनल में? सर मैं भी पांच ही ऑप्शन लूंगा। बिल्कुल पांच ही मिलेंगे। तो मेरा पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए आप ही खूनी हो, ऑप्शन बी आप ही खूनी हो, ऑप्शन सी आपने ही खून किया है, और ऑप्शन डी तूने ही खून किया है। ऑप्शन ई आपकी गांड पड़ चुकी है। सर इसे लॉक कर दो मेरी गांड पे। लॉक कर दिया जाए। कंफर्म कंप्यूटर जी ऑप्शन ई लॉक कर दिया जाए। बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है आप ये सवाल हार चुके हो। लेकिन आप यहां तक आए हो तो हम आपको कागजात नहीं जाने देंगे। शर्मा जी इनको एक राइफल दी जाए ताकि अगली बार यहाँ आए तो बड़े ही ईमानदार और शानदार क्रिमिनल बनकर आए और हमारे देश का नाम रोशन करें। नफसी नफसी का आलम होगा न परी माँ की होगी न मगरमच्छ बाप का होगा। आज से पहले कभी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि केबीसी खेल कर खूनी का पता लगाया जा सके। पर हमारी हुनार पुलिस ने ऐसा किया पर फिर भी उन्हें कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। ये है तो सुराग। भोसड़ी के गांड फाड़ दूंगा मत जाइए। तो चलिए पता लगाते हैं क्या होता है आगे। मजा आएगा इंशाल्लाह। तो शर्मा जी कौन हो सकता है क्रिमिनल? सर मुझे एक पसंद। कौन? दीवार दीवार। You know the fuck it is, huh? कौन हो तुम? डिवाइन लग तो ना गया। एक्चुअली जो मेरा आजकल ना गाने नहीं चल रहे थे तो मैं जाऊँ दिहाड़ी पे जाने लगा। माशाल्लाह बहुत अच्छी इनकम हो रही है मेरी। बेटे भट्टे पे काम करते थे क्या? हाँ भट्टे पे काम करता हूँ। खैर छोड़ो वैसे बुलाया क्यों मुझे यहाँ पे? एक मर्डर हुआ है और हमें शक है कि वो मर्डर तुमने किया है। तुम लोग शक करेंगे और अपन लोग मान लें क्या? हाँ मैं मानना पड़ेगा। अच्छे से बात कर। एक छोड़े अच्छे से बात कर। एक छोड़े अच्छे से बात कर। चल अचूले में चिंगारी सर पे चल बदन पे कपड़े तब जिंदगी मस्त सब समंदर पार से बोले बस सब कली गैंग खाती ढोके। पुलिस इतनी बेकाबू हो चुकी थी कि अब उसने बेकसूरों को मारना चालू कर दिया। बताओ पहली बार में कुछ नहीं बोला। बताओ दूसरी बारी मेरी गांड फटने लगी। तीसरी बारी में तो मैंने हौसला ही तोड़ दिया। साहब साहब बता दो। साहब मैं बता दो। बता सर ये कौन? हाँ मैंने नहीं किया सर। लगता है आज का दिन ही खराब है। सर ये जिंदा है क्या? मेरा आईफोन 14।
क्या हुआ सर? अबे मेरा आईफोन चोर है, अब कैसे दूंगा? अबे वो जिंदा है, अबे वो जिंदा है, वो जिंदा है, वो जिंदा है। चलो शर्मा मिलकर आते हैं। सर मुझे कुछ काम है, आप चलो। देख रहे हो ये पेपर में तुम्हारा क्षेत्र? डॉक्टर साहब इसने तो क्राइम सीन पर दम तोड़ दिया था, फिर ये बच कैसे गया? पहले तो आप ये रिपोर्ट देखिए, बहन की लोड़ी इतनी आज की गोली मैंने आज तक नहीं देखी अपनी जिंदगी में। गोली को भी मेहनत करनी नहीं पड़ी होगी। ऐसी कौन सी जगह लगी? छेद में लगी है। कौन सा छेद? पीछे वाला। पीछे वाला? हाँ। पीछे वाला कौन सा? भौसड़ी का। तेरे कितने छेद हैं? के बाद डॉक्टर साहब सबके एक ही छेद हो। हाँ तो इसका भी एक ही है। वैसे तुम उसे पहचान तो लोगे जिसने तुम्हारा छेद, जिसने तुम्हारी गोली मारी है। जी जी। चलो मेरे साथ उसका स्केच बनवाओ। मैच ना हो रहा सर जी, फोटो हैगा मेरे पास। जब तेरे पास फोटो हैगा तो पहले ना बता सके भाई, आर्टिस्ट को ठाव फिर रिया। आर्टिस्ट? हाँ फारसी सीख रहा हूँ, फारसी में आर्टिस्ट ही कहना है। दिखा। शर्मा जी, 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 जी। हाँ तो शर्मा जी बताइए क्यों मारा आपने उस मासूम को? सर रात होते ही आप भाभी के पास चले जाते थे और मैं ठहरा रहने लगा। दिन तो मेरे जैसे तैसे कट जाते थे पर मेरी रात नहीं कट पाती थी। एक बार एक लड़की की मेरी रिक्वेस्ट आई, फिर मेरी उससे धीरे धीरे करके बातें चलने लगी। फिर मैंने उसे मिलने को कहा था तो उसने मुझसे 250 का रिचार्ज करा लिया। फिर एक बार मैं चुपके से गया, जब मैंने जाके देखा वो लड़की नहीं बोल रखा था लड़का। बस सर ये देखकर मेरा खून खून नहीं नाली का पानी बन गया। मैंने सोचा आज ही मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता था, आपके साथ भी हो सकता था और आपके साथ भी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, ये दक्खन के लोंडे साले लोंडे की आईडी बनाते हैं और लोंडों को अंदर ही अंदर खोखला कर देते हैं। बस सर यही सोच के मैंने उसका खून कर दिया। गरीब आदमी के अच्छे दिन और हम जैसे लड़कों की आईडी पर लड़की का फॉलो कभी नहीं आता। तो देख रहे हो कैसे एक फेक आईडी एक मासूम की ज़िंदगी तबाह कर सकती है। तो मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, सावधान रहे, सतर्क रहे, ना किसी का चूतिया बने ना किसी का चूतिया बनाए। मैं इसी के साथ आपसे थोड़ी बिरयानी साथ चटनी, सॉरी 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 सॉरी, तो मैं आपसे लेता हूँ विदा। फिर मिलेंगे क्राइम लड़के के न्यू एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए यूके 18 वॉइस। लड़की का फॉलो आया हो? भैया फॉलो बैक कर दियो, मेरा हाय भेज दिए।